हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमानी एंड आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन टीजर्स में। आज की वीडियो में मैं कोई क्लास नहीं लेकर आई हूँ बैकर्स की। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग सारे सोचते होंगे कि मैं अब बैकर्स की वीडियोस डालती हूँ, इसका यूज़ कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें ये वीडियोस देखनी ही क्यों है, तो इसी वजह से शायद आप लोग उस वीडियो में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपकी यही डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि अब बैकर्स है क्या, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, एंड ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट बन चुका है आज में, ये कैसे बन चुका है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अबैकस एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ किया जाने लगा है आज के टाइम में। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड टीचर्स के लिए भी, एंड उन सब के लिए भी जो इसे अपना एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं। क्यों, आज के टाइम में आप भी जानते हैं कि एक इनकम से गुजारा नहीं हो पाता है, कम से कम 2 से 3 सोर्स होते हैं तभी हम अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे से चलाने के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए ये जो अबैकस है, अबैकस सीख के आप आगे सिखा सकते हैं और इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अबैकस की अगर पर क्लास की बात की जाए तो पर क्लास में आप 300, 400, 500 रख सकते हैं, एंड इसको पूरा वीक भी नहीं कराना होता है, इसे आप संडे टू संडे करा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबैकस क्या होता है। अबैकस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसका यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ, आज भी मैं रिपीट करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद वो वीडियो देखा नहीं होगा। अबैकस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जिसको हम नोटबुक पे करते रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं, उसको थोड़े ही टाइम सीखने के बाद आप अपने माइंड में करने लग जाते हैं। ओवरऑल आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है अबैकस का यूज़ करके, एंड अबैकस सबके लिए ही यूज़फुल होता है। ये उन सब के लिए भी यूज़फुल है, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नया कराना चाहते हैं, एक नई स्किल ऐड करना चाहते हैं उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में, एंड जो बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। मैंने आपको जैसे बताया कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करता है, आगे जाके उनके लिए कोई दिक्कत नहीं रहती, आगे वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ईजी वे में कर पाते हैं, एंड टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही कोई टीचर है जो अपने सिलेबस में, अपने लाइफ में कुछ एक नई स्किल ऐड करना चाहता है अर्निंग के लिए, वो देख रहे हैं कि नॉर्मल ट्यूशंस तो उनकी चलती हैं, टीचर्स जो हैं स्कूल में टीच कर रहे हैं, ट्यूशंस दे रहे हैं, उसके साथ अगर वो एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं तो वो स्किल को ऐड कर सकते हैं। संडे टू संडे करना होता है, इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर भी नहीं होता है, क्योंकि संडे में अगर आप दिन के 3 से 4 घंटे भी निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से अबैकस एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो चुका है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इसीलिए पता नहीं होता है क्योंकि उनके स्कूल्स में ये नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं हमने तो पहली बार इसका नाम सुना है, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या होता है। तो अबैकस आज के टाइम में अच्छे अच्छे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके लिए एक्स्ट्रा पीरियड रखा जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है इस स्किल के लिए। जो बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल स्कूल के बच्चे होते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स बहुत अवेयर रहते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, वहाँ पर अबैकस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये इतना ज़्यादा डिमांड में है कि पेरेंट्स स्पेशली टीचर से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आप ये अबैकस अपने स्कूल में लाएँ। तो इस तरीके से अबैकस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है एजुकेशन का। इसको सीखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनको कुछ नया सीखने को मिले ताकि वो उसको यूज़ करके आगे अर्न कर सकें, स्टूडेंट्स अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें एंड कुछ नया सीख सकें। तो ये है कुछ अबैकस के बेनिफिट्स। मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए और आपको बताती रहूँगी इसके बेनिफिट्स, तो इससे ही तरीके से जुड़िए रहिएगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।